दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वास्थ्यै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्रदुःखभयहरिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणा यशदार्दचेता ॐ भगवते श्री सांगादि दुर्गादिभ्यै नमः। सज्जनों, मैं डॉक्टर सुनील शास्त्री आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज बड़ी सुंदर कथा लोगों के द्वारा प्रेरित करने पर हम लोग सुनने के लिए उत्सुक हैं और कथा का श्रवण करेंगे। आज का विषय सिरद्धत जनक को जनक मिथिलेश एवं विदेह की उपाधि कैसे मिली, इसकी कथा हम लोग विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। भागवत और स्कंद पुराण के अनुसार एक कथा आई है जिसमें इस मिथिला के प्रथम राजर्षि निमि का नाम हम लोग पूर्व ही श्रवण कर चुके हैं। एक कथा है, इस मिथिला के प्रथम नरेश निमि थे और निमि के कुलगुरु सूर्य कुल के प्रथम गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र 10 हैं। उन 10ों में से एक वशिष्ठ हैं जो सूर्य कुल के पुरोहित थे, कुल गुरु भी थे। एक समय की कथा है कि महर्षि निमि ने एक महायज्ञ का आयोजन किया और उस महायज्ञ के ऋत्विज पद पर अर्थात यज्ञाचार्य के पद पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को आचार्य पद के लिए विभूषित किया गया और उन्होंने अपनी स्वीकृति भी प्रदान की। देवराज इंद्र भी भयभीत होकर कि राजा निमि ने जो महायज्ञ का आयोजन किया है, हो सकता है कि मेरे पद को ही न छीनने के लिए इन्होंने यज्ञ आरंभ की, इस शंका से सशंकित होकर देवराज इंद्र ने भी स्वर्गलोक में एक महायज्ञ का आयोजन किया। क्यों किया? इसलिए कि इंद्र के मन में ऐसी भावना की जागृतावस्था आई कि हो सकता है रावण का मित्र समझकर ही राजा निमि ने उक्त यज्ञ का आयोजन किया। उसी डेट में, उसी दिनांक में, उसी तिथि में देवराज इंद्र ने भी स्वर्गलोक में एक महायज्ञ का आयोजन किया और अर्थलोलुपता का प्रलोभन देकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को यज्ञाचार्य के पद पर विभूषित किया। जब यज्ञ का समय नजदीक आया और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को बुलावा भेजी गई तो वशिष्ठ दिखाई नहीं दिए और उस परिस्थिति से बाधित होकर मजबूरी अवस्था में अपने गुरु गौतम को ही उस यज्ञाचार्य के पद पर विभूषित किए और इंद्रलोक में, स्वर्ग में वशिष्ठ यज्ञाचार्य पर विभूषित किए। दोनों सेम डेट में यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञाभ्यंतर में देवराज इंद्र ने झूठ साँच बनावटी बहुत सारी बातें उन्हें कानों में डाले,
सुनाए, जिससे वशिष्ठ का क्रोधानल भभक उठा। और यज्ञ के अवसान अवस्था में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का उस महायज्ञ में पदार्पण होता है। अपने आसन पर उपस्थित देखकर वशिष्ठ की क्रोधानल का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपनी अवमानना समझकर राजा निमि को शाप दे उठे कि हे राजर्षि, तूने मेरी अवमानना की और इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम मर जाओ। फिर क्या था, राजर्षि निमि ने भी शापित अवस्था में उन्होंने भी कहा कि हे गुरुवर, आपने भी अर्थ लोलुपता के कारण वचन विमुख होकर मेरे यज्ञ को स्वीकृति प्रदान कर आपने इस यज्ञ को स्वीकार नहीं किया और आचार्य पद स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र का यज्ञ करवाया, अतः वचन विमुख के कारण मैं भी आपको शापित करता हूं कि आपका भी ये पार्थिव शरीर प्राण रहित हो जाए। भक्तों, मेरे श्रोता भगवान, फिर क्या कहें, उभय पक्ष में दोनों शापित हो चुके। इस धरती के प्रजा में त्राहि त्राहि मच गई। अब जिस यज्ञ का यजमान ही मर जाए, आचार्य की ही मृत्यु हो जाए, फिर यज्ञ को कौन संभालेगा, यज्ञ की समापन व्यवस्था कैसे की जाएगी। बस एक कल्प की कथा है, मित्रा वरुण और उर्वशी के द्वारा वशिष्ठ की उत्पत्ति हुई और संपूर्ण देवगण उपस्थित होकर यज्ञ भगवान की प्रार्थना में संलग्न हो गए कि हे प्रभु, अब आप ही हे यज्ञेश, हे महाविष्णु, अब आप ही बतावें, कोई रास्ता निकालें कि इस यज्ञ का समापन कैसे होगा। सज्जनों, बड़े गौरव की बात है, यज्ञ भगवान उस यज्ञ की व्यवस्था से काफी संतुष्ट थे और उन्होंने तथास्तु कहा। फिर मार्ग निर्देशन दिया कि ये मिथिला के राजर्षि निमि अनादिकाल तक, जब तक इस धरती पर सृष्टि की व्यवस्था चलती रहेगी, हर जीव के ऊपर, हर मानवों के ऊपर, हर मनुष्यों के ऊपर ये उनके पलक पर निवास करेंगे। और आज तक हम लोगों का ये दोनों आँख की जो पुतली है उसे ही निमिख कहते हैं और राजर्षि निमि हम लोगों के दोनों पलक पर विद्यमान है। और देवगणों ने पुनः दूसरा वचन दिया कि इस पार्थिव शरीर को मंथन करने से एक दिव्य बालक की उत्पत्ति होगी जिसका नाम जनक पड़ेगा और शास्त्रीय विधानुकूल उस पार्थिव शरीर को मंथन किया गया जिससे एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई और उसी बालक का नाम कालांतर में जाकर जनक पड़ा। चूंकि जनक शब्द का अर्थ ही होता है पिता और इनके कोई पिता नहीं, और उस शरीर के मंथन से जो एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई जिसका नाम विदेह पड़ा और अपने नाम पर उन्होंने एक नगरी बसाई जिसका नाम मिथिला पड़ा और मिथिला नाम करणोपरांत उस मिथिला के प्रथम राजा होने के कारण इनका नाम मिथिलेश पड़ा। तो मेरे श्रोता भगवान, अब हम लोग समझ चुके कि मिथिला मिथिलेश, चूंकि मिथिला का अर्थ ही होता है मध्यम ते रिपुवा जत्र साइति मिथिला, और जहां इन छह रिपुओं का मंथन किया जाए, काम क्रोध लोभ मोह मत मासर, यही खट ऋतु खट शत्रु हैं, रिपु हैं, इन्हें ही मंथन करके एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई।
इसलिए इसका नाम मिथिला पड़ा। अब हम लोग समझ चुके कि इस क्षेत्र का नाम मिथिला क्यों पड़ा, मिथिलेश क्यों पड़ा, जनक क्यों पड़ा, विदेह क्यों पड़ा और कैसे कैसे इसका नामकरण होते गया। तो अब हम लोगों के मस्तिष्क में ये सारी बातें आ चुकी। अब हम लोग इसका स्वाध्याय करें और अपने जीवन में आचरण करें, उतारें, संभालें और जीवन में उतारें। जय जगदम्बा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य हुई होगी। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।